बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहना भाइयों का की हाल चाल है। उम्मीद करनी है तुम ठीक ठाक हो और अलहमदुल्ला असं ठीक ठाक हाँ। साड़ी दुआ हमेशा बनी रहा जिते भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो कि बहन मेरा बीमार है अल्लाह पाक उन्होंने शफा देवे, तंदुरुस्ती देवे, कारोबार च बरकत रहमत ता फरमावे। जो कोई बेऔलाद है अल्लाह पाक उन्होंने औलाद ता फरमावे। जो कोई बहन मेरा परेशान है अल्लाह पाक उन्होंने परेशानियां दूर ता फरमावे। जो कोई बेरिज़क है अल्लाह पाक उन्होंने रिज़क ता फरमावे। हर बहन बिरादरी सख्ती मुसीबत अल्लाह पाक दूर ता फरमावे। अज का ब्लॉग का करने आगाज अल्लाह पाक का नाम लैके ना। साढ़े कोई मौसम अजे भी बहुत खराब है, रात में बारिश तो नहीं आई हैगी तो ना बहुत ही ना मेरे ना कल की तबीयत ना बड़ी खराब हैगी। मैं ना व्लॉग भी नहीं बना सकती, अज भी बना तो रही हाँ जी। अगर ना मेरे को पूरा बन गया तो ना क्योंकि ना मेरी एलर्जी की वजह तो ना तबीयत ना बहना भाइया बहुत ज्यादा खराब हो जाती तो ना नाल बुखार तो ना ब्लड जड़ा वह भी लो हो जाता है। तुम भैन भाइयों मेरे हक भी दुआ की करो क्योंकि मैं भी ना बहुत बीमार हैगी हाँ। मेरा ना जरा जिसम खून हैगा ना ब्लड मेरा वह ना पूरे च एलर्जी हैगी तो अल्लाह पाक करे मैनू भी अल्लाह शफा दे मैं भी भूल जावा क्योंकि ना मेरी तबीयत भी बड़ी खराब हुई थी तो मौसम जरा ना वह भी बड़ा खराब है। तो एक मैंने ना कमरे की बहुत ज्यादा टेंशन हैगी। जो सा कमरा इस तरह ना सारा फट गया पानी पैन नाल ना इन बहुत ज्यादा मैं टेंशन हैगी। अल्लाह करे मेरी ये भी टेंशन ना खत्म हो जाए क्योंकि इन्नी गुंजाइश तो मेरे को हैगी नहीं। मजदूरी करके बच्चों को खवानी हाँ, इन्नी गुंजाइश होंगी तो अपना कमरा हूँ तो मैं डा के बना ही लेना सी। बहुत ज्यादा इस कमरे की टेंशन हैगी। अल्लाह पाक करता मेरी टेंशन दूर करे। कोई नेक बंदा मेनू कमरा बना के दे। सुबह सुबह का टाइम हैगा, अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल कर लवे। नमाज पढ़ के सब भैन भाइयों के हाथ में दुआ की, सब मेरे भैन भाइयों ने अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमावे। अल्लाह पाक का कोई नेक बंदा मैनू ही ना सी फिर कमरा एक ही बना के दे देता तो बहुत ज्यादा उनकी मेहरबानी सी क्योंकि मैं इस कमरे की वजह से बहुत परेशान क्योंकि ना हूँ सर्दियाँ फिर आ जाने दो तीन महीने गर्मिया ने फिर बच्चों मैं कह रही भी कितने सवाना है या कितने नहीं। थोड़ा कमरा हों बच्चे भी ज़्यादा सो सकते। बहुत ज्यादा टेंशन हैगी इस कमरे की। एक आप बीमार हैगी खराब हो गए चाय बना चाह बना रहे कर पानी पा लेनी स्मैल दाने कट्टे
जल्दी काम लिख लेनी तो मौसम और खराब होया खला तो कल आटा गोल के रोटी बना लेनी तो गद्दी तो ला लेनी हाथ नहीं लानी आंदी अगे मम्मी की तबीयत सही होंगी तो मम्मी ला लेंगी हाथ तो मेरे को नहीं लगनी तो मैं गद्दी तो ला ली सा ब्रश बना दिया बदल बहुत ज्यादा पान गया तो अगर काफ़ी धूप निकली और चढ़ मोड़ बन गया तो बारह चाह कि सारा कमरा डेकोन अल्ला कर बारिश ना ही आवे तो आवे तो थोड़ी थोड़ी कणियाँ ही आ जाए चलिए बहुत सारी परेशानी बड़े खड़े कमरे की भाई बारिश ना जाए तो हाँ जी कोई अल्लाह तो बंदा नेक होवे सानू एक कमरा बना के दे चाहिए बड़ी मेहरबानी असि गरीबा वास्ते एक इमदाद करें चाहे साड़ी बहुत सारा कमरे का खतरा भी डेग ही ना पवे इनके राशा भी हैगी खान पीवन के बाद अगे है नहीं सू ले नहीं जाने तो पर बदल दी पर मैं क्या खा रोटियां बना लेनी दोबारा चाहिए तो फिर साढ़े कुछ बननी नहीं रोटी इमी करके बीमार होती तबीयत बहुत खराब है खेल से लगनी नहीं है तो फिर मैं क्या मैं बना लेनी तो फिर जैसे रोटियां बना के मेरा रोटियां छोटी देख कर सब बाकी काम लिख ली सर तो मैं क्या आटा गोल लेनी जी तो मैं रोटियां ला लिया गद्दी ते प्याज ते मटर डकड़े कर दिते मिर्चे तड़का लिया ते रोटियां ला लिया ते सनानी रस्सी बना दीती है लून ला ली है खा ली सर ते मिनी दे लेनी है तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो पर सुते पे मां के जो उठी रोटी दे दी सर बैठे बाहर इतने मौसम खराब हो गए तो रेल बहुत खुला खुला ज्यादा तो मौसम बदल ही बहुत आया खड़ा कमरे च बहुत डर लगता है तो असं ता पर नहर खुला खड़ा बाहर बैठे हाँ जी सुना तो सुना बाहर बैठे हाँ जी कमरे डर लगता है बाहर बैठे लेकिन ता पर सदन नहीं जाते डर लगते
ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।